आप तमाम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम गुलाम हैं और हमें जो चला रहे हैं वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं और हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ये लोग देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, बाहरी मुल्कों से आए हुए लोग हैं जो आपसे कह रहे हैं कि भारत के हो या नहीं हो ये साबित करो। देखिए मुद्दा तो पुराना ही है, संविधान को बचाना है और आरक्षण को बचाना है। जिस तरह सरकार हमारे पे जुल्म कर रही है, दलित समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे महिला समाज हो, चाहे पत्रकार समाज हो, चाहे स्टूडेंट समाज हो, चाहे बच्चा समाज हो, चाहे महिला समाज हो, चाहे किसान समाज हो, इस वक्त हर एक कोई सर्वाइव कर रहा है। आप भी देख रहे हैं हर एक कोई सर्वाइव कर रहा है, हर एक कोई अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा, और उसका जो सेंट्रल विस्टा जो है हालांकि ऐसे मौके पर बनाया गया जब ऑलरेडी हमारे पास संसद था और जो 200 साल अभी और चल सकता था। जिस वक्त भारत भुखमरी की कगार पे था, जिस वक्त भारत में हर घर में मौतें हो रही थी कोरोना के नाम पर, उस वक्त मोदी जी अपने ख्वाबों का महल सेंट्रल विस्टा के नाम पर एक नया संसद बना रहे थे। अब उस संसद का नाम जो हमें अंदर खाने खबर मिली है गोलवारकर पे रख रहे हैं। गोलवारकर कौन? जो आरएसएस का सबसे बड़ा मतलब एक भक्त था और आरएसएस को रखने वाला वही था, आरएसएस सोच वाला था। बात ये अगर हमारी संसद संविधान से चलती है तो हमारी संसद का नाम या तो आप संसद रखिए, संसद भवन रखिए, नहीं तो उसका नाम भीमराव अम्बेडकर पर रखिए। क्योंकि जब हमारा घर होगा, मकान हमारा, तो नेम प्लेट भी हमारी ही होनी चाहिए। बाबा साहब का नाम रखने से फायदा क्या होगा? देखिए फायदा क्यों नहीं होगा, अगर आप हम घर में जिसके रूल्स चलते हैं तो मकान जिसका है तो उसी के नाम पे तो होगा। अगर आप या तो कहिए कि भारत में संविधान खत्म हो गया, हम लोगों को शायद सबर आ जाएगा और हम तमाम लोग यूं लगे तू हिंदू तू मुसलमान तू दलित को हम गुलाम हैं। आप तमाम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम गुलाम हैं और हमें जो चला रहे हैं वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं और हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। तो अगर आप गुलाम बनना चाहते हैं तो सही है, अपने अपने घरों को जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने आपको संविधान 26 जनवरी 1950 में दिया और आपको जीने का सलीका, आपको पहनने का सलीका, आपको जमीन पर अकड़ के चलने का सलीका दिया, तो भीमराव अम्बेडकर को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, उनके संविधान को बचाने के लिए आपको इस मुहिम में जुड़ना होगा। नए संसद का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए और जितनी भी स्टेट में संसद है उन तमाम का नाम भीमराव अम्बेडकर पर होना चाहिए। आप भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, यहाँ तमाम जो जितनी भी संस्थाएं हैं सब प्राइवेट कर दी गई हैं, अडानी अंबानी के हवाले कर दी गई हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हाउसेस को दे दी गई हैं। तो वो यही है ना कि संविधान में लगातार संशोधन कर रहे हैं। भाई अगर कोई सत्ता में सरकार आती है 5 साल के लिए आती है, लेकिन ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वो किसी भी सरकारी कंपनी को प्राइवेट हाथों में ना दे, और अगर दे भी रही है दूसरी सत्ता आती है तो वो फौरन उसके हाथ से छीन ले। ये लोग इसी वजह से डरे, इनको पता है कि ये लोग बेनकाब हो चुके हैं सत्ता से, ये लोग जा रहे हैं। और इनका छोटा रिचार्ज जो केजरीवाल है वो दिल्ली की उसने ऐसी तैसी मार रखी है, एक के साथ एक शराब फ्री बांट रहा है, स्कूल मॉडल उसका फेल हो चुका है। तो तमाम चीजें जो है वो देखिए आपके किस तरह है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि रात में एक कॉलोनी की विजिट कर रही थी, उस कॉलोनी का नाम है प्रियंका कैंप। प्रियंका कैंप मंदरपुर खादर में है और वहां पर दलित लोग रहते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं गूगल पे जो वहां पर झुग्गी झोपड़ियों की तादाद है वो आज भी 750 लिखी हुई है, और डेटा जो है वो डेटा सन 2012 का कांग्रेस ने दिया था। तो 12 साल में वो झुग्गियां आज की डेट में 3500 हो चुकी है। लेकिन गूगल पे जाकर अगर आप आज भी आंकड़ा चेक करते हैं 750 आता है। वहाँ पर रहने वाले दलित समाज के लोग हैं, ना वहाँ टॉयलेट है, ना स्कूल है, ना वहाँ पर क्लिनिक है, कुछ भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र अगर आप बनाए तो आप खुलकर कहिए ना, आप बाबा आप भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा लेने पर एक बंदे को अपने मिनिस्ट्री से हटा देते, उससे माफिया मंगवाते। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आता था। जब तक दलित समाज अवेयर नहीं होगा, जब तक दलित समाज संगठित नहीं होगा और अपने साथ मुस्लिम समाज को नहीं मिलाएगा, मुझे नहीं लगता कि भारत का कुछ उत्थान होने वाला। इसी तरह गुलाम बनेंगे। हिंदू तो खतरे में है ना, ऐसा बताया ही जा रहा है। खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। मेन बात है कि बीजेपी ने ठेका ले लिया है कि बीजेपी की कोख से भगवान राम पैदा हुए, बीजेपी की कोख से शिव जी पैदा हुए, बीजेपी की कोख से कृष्णा पैदा हुए। तो ये गलत है कि बीजेपी जो है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना। अभी आप जो मतलब और भी मुस्लिम जो है क्या दलितों के साथ आ रहे हैं बराबर? आप ही अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं, अलग अलग संगठन है आप लोगों के भी, नहीं देखिए मैं मनीष क्योंकि एक सोशल मीडिया पर मेरा आ रहता है, हर मुद्दे पर बोलती हूँ तो आपको नजर आती हूँ। लेकिन हमारा पूरा समाज
तो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता। तो मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरा समाज अवेयर है, मेरा समाज संगठित है, मेरा समाज दलितों के साथ है, मेरा समाज भीमराव अम्बेडकर के साथ है, मेरा समाज पूरी कोशिश में है कि संविधान को बचाया जाए। अभी आपने कहा छोटा रिचार्ज, अभी जो पहले उसको लाने वाले, सत्ता में लाने वाले केजरीवाल जी को आप ही लोग थे, अब छोटा रिचार्ज के नाम से वो जाने जा रहे हैं। देखिए, संविधान को बचाने के लिए सबसे पहला अगर भारत में कोई इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उसका नाम था शाहीन बाग। शाहीन बाग में हम लोग मुसलमानों के लिए नहीं बैठे थे, मुसलमानों के लिए भी बैठे थे, क्योंकि ये जो NRC लेकर आए थे मुसलमानों के लिए नहीं थी, मुसलमानों के लिए भी थी। तो मुसलमानों ने तो पहली बार कर दिया प्रोटेस्ट, उसके बाद एक हवा दे दी। अब जिसको देखो प्रोटेस्ट करता ही करता है, महिलाओं ने प्रोटेस्ट करा था, नहीं करा था शाहीन बाग में? तो संविधान को बचाने के लिए ही करा गया था। लेकिन आपको तो बताया जा रहा है कि आपके आरोप लग रहे हैं यही लोग कि मुस्लिम जो है यहाँ से देश से निकाला होंगे, इसीलिए यहाँ पर आप चांद पर थूक के देखिए, तो जो लोग कह रहे हैं ना मुस्लिमों को देश से निकालेंगे, बस उनसे कहिए चांद पर थूक कर दिखाते, रिजल्ट मैं बताऊंगी फिर क्या होगा। अपने ही मुंह पे थूक गिरेगा। जब आप एक उंगली ऐसे करके उठाते हो ना तो चार आपकी तरफ उठती है। तो ये लोग देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, बाहरी मुल्कों से आए हुए लोग हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि भारत के हो या नहीं हो ये साबित करो। नक्टे नाक वाले को हंसते ना, एक गाँव में सारे नाक वाले थे, एक नक्टा आया तो कह रहे देखो नक्कू 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 नक्कू, तो ये सारे नकते हैं जो नाकवालों पर हंस रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि भारत किसका है। ये देशद्रोही लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि हम आलिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं। ये देशद्रोही हैं जो हमारे पूरे भारत को बेच के खा रहे हैं, शराब के साथ शराब फ्री दे रहे हैं। लक्ष्मी कह रहे हैं कि हम नोटों पे लगाएंगे, एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, स्कूलों पे लिपापोती कर रहे हैं। तो ये सारा ड्रामेबाजी है। राजनीति नहीं बदल रहे, गुलामों की कैटेगरी बदल रहे हैं। आप पढ़े लिखे गुलाम हैं, आप तमाम लोगों के नाम पास सब खत्म हो गए, बस ये कि आप एक गुलाम तबका है जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। ये सारे लोग गलत हैं। EVM में घोटाला होता है, आप सब देखते हैं किस तरह हरकतें करते हैं, किस तरह इनका मीडिया ताता थैया करता है, इनका स्ट्रीम मीडिया पर आकर किस तरह मुजरे करता है वो पूरी दुनिया देखती है। मोरबी पुल पे इन्होंने कहा मरने वाले ही जिम्मेदार थे, यानी उन्होंने खुदकुशी करी थी। ये पॉलिटिक्स है। जब तक मैं दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालूंगी तब तक मैं अपने आप को पवित्र कैसे दिखाऊंगी? भाई पार्टी बनाई उन्होंने, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हरे की कमियां रहती है, जब भी तो कांग्रेस सत्ता से गई कुछ तो कमियां रही होंगी ना। कांग्रेस के साथ शायद ये बहुत बड़ी विडंबना रही कि वो पब्लिक के साथ नहीं जुड़ पाई। अभी देखे कि देश के एक रॉयल फैमिली के राहुल गांधी, जो शायद एक किलोमीटर भी जिंदगी में ना चलो, आज वो हजारों किलोमीटर चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? देश के लिए चल रहा है, संविधान के लिए चल रहा है, हमारे लिए चल रहा है, भारत बचाने के लिए चल रहा है। भाजपा को कोई नहीं पसंद कर रहा, भाजपा को वो पसंद कर रहा है जितने पत्तलकार चाटुकार और एक जो जिनको तनख्वाह मिल रही है वो पसंद कर रहे हैं। आप पसंद कर रहे हैं भाजपा को? मैं पसंद कर रही हूँ? क्या आप लोग कर रहे हैं? तो जीत तो वही रहे ना शुरू में, जीत नहीं रहे, जितवा दिए जाते हैं। EVM में घोटाला होता है, लास्ट मोमेंट पर शराबें बांट दी जाती है, हजार हजार के नोट बांट दिए जाते हैं और 5 साल के लिए लोग आ जाते हैं।